गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में पर्यावरण संरक्षण के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 2018 में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के अंतर्गत इसके पार्ट ए में प्रश्न पूछा गया कि राइट एनी टू एक्टिविटीज़ विच शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, अर्थात पर्यावरण संरक्षण के लिए स्कूलों में की जाने वाली किन्हीं दो गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। ये 50 शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसके आंसर 50 शब्दों में लिखने हैं। अब इसमें किस प्रकार की गतिविधियों का हम उल्लेख कर सकते हैं, तो आज हम इस टॉपिक पर ही डिटेल स्टडी करेंगे। पर्यावरण संरक्षण, वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक विकास की दर को ऊंचा बनाए रखने के लिए दिनों दिन अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अपने प्राकृतिक संसाधनों का अमितवाहित तरीके से विदोहन करते हुए प्रकृति ही नहीं समस्त संसाधनों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इसी के चलते आज पर्यावरण में पर्यावरण संरक्षण के एक कॉन्सेप्ट का इजाद कई सालों पहले हो चुका है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता वर्तमान समय की मांग है। अब आज हम इस टॉपिक के संदर्भ में जानेंगे कि पर्यावरण संरक्षण है क्या। पर्यावरण संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग यानी अधिकतम सदुपयोग के संदर्भ में बात कही गई है, साथ ही ऐसा उपयोग जिससे मानव का कल्याण और लाभ हो सके। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय में जितने भी प्राकृतिक और मानवीय संसाधन हैं उन संसाधनों का मितवई तरीके से सदुपयोग करना और इस प्रकार से उपयोग करना कि भावी पीढ़ी तक भी वो संसाधन उपलब्ध और सुरक्षित रह सके, अर्थात भावी पीढ़ी भी उन संसाधनों का लाभ उठा सके जिससे मानव का कल्याण और विकास होगा। पर्यावरण संरक्षण की परिभाषा एली ने दी है कि संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। इसी प्रकार मैकनॉक ने डेफिनेशन दी है, अच्छे संरक्षण का आशय किसी साधन के ऐसे उपयोग से है जिससे मानव जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति सर्वोत्तम ढंग से हो सके। इसी प्रकार वैन और हेज ने पर्यावरण संरक्षण की डेफिनेशन दी है कि संसाधन संरक्षण विभिन्न साधनों का अधिकाधिक समय तक अधिक से अधिक मनुष्यों द्वारा अनुकूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित उपयोग है। इन समस्त डेफिनेशन में वैन और हेज की डेफिनेशन ज़्यादा एक संतुलित विकास की ओर अग्रसर करती है जिससे न केवल इस पीढ़ी के मनुष्य बल्कि भावी पीढ़ी के मनुष्य भी इस प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके अपने जीवन में विकास कर सके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर पर्यावरण संरक्षण केवल संसाधनों का समुचित उपयोग ही नहीं बल्कि इस प्रकार से मितवई उपयोग है कि भावी पीढ़ी भी इन प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठा सके। अतः पर्यावरण संरक्षण बहुत ही महती आवश्यकता है। आज पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट है। पहला कि प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण है। जहाँ हम भारत की बात कहें तो यहाँ कच्चा माल श्रम की अधिकता है, इराक ईरान की बात कहें वहाँ खनिज तेल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, जापान अमेरिका इटली फ्रांस यूरोप कंट्रीज़ की अगर बात करें तो वहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पूंजी सबसे ज़्यादा बहुतायत और तकनीकी विकास सबसे ज़्यादा उन्नत है। इस प्रकार से समस्त विश्व के देशों में प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण है। अतः प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण होने के कारण हर देश इन संसाधनों का समुचित उपयोग कर अपने आर्थिक विकास की दर को तीव्र कर सकता है। इसलिए सभी देशों के लिए पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाना आवश्यक है। दूसरा है
प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। प्राकृतिक संसाधन हर जगह असमान रूप से वितरण है ही, साथ ही असमान रूप से उपलब्ध भी है। जहाँ किसी एक प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता बहुतायत मात्रा में है, वहीं दूसरी ओर किन्हीं अन्य देशों में या किन्हीं अन्य क्षेत्रीय स्थानों में उसकी उपलब्धता बहुत कम है। इसी प्रकार जैसे हम जल एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में ले सकते हैं, वहाँ अपने अफ्रीका है, सहारा रेगिस्तान है, वहाँ उसकी बहुत कम उपलब्धता है। दूसरी ओर अगर हम नॉर्थ या ध्रुवी देशों की बात करें, वहाँ बर्फ़ के रूप में ज़्यादा मात्रा में पानी की उपलब्धता है। तो इस प्रकार इनकी उपलब्धता में भी असमानता है, और असमानता के कारण हमें इन संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाना आवश्यक है। संसाधनों की मांग पर अधिक होने पर कभी कभी किन्हीं संसाधनों की मांग बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। जैसे आज हम पेट्रोलियम की बात करें, तो पेट्रोलियम की मांग आज सभी देशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में की जा रही है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि हर देश में आज फोर व्हीलर्स ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं पेट्रोलियम का। इस कारण ज़्यादा मांग होने के कारण उनके खर्च होने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है, अतः उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि। आज जनसंख्या वृद्धि ने समूचे पर्यावरण में असंतुलन स्थापित कर दिया है। इस असंतुलन के कारण ही पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता है। फिर है प्राकृतिक संसाधन के दुरुपयोग की संभावना। कुछ पर्यावरण के संसाधनों का इतना अधिकतम उपयोग होता है कि लोग उसके इतने आदि हो जाते हैं कि उसका दुरुपयोग करने से भी बाज नहीं आते। इस कारण उसके संसाधनों का दुरुपयोग के कारण भी पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे वन्य जीव जंतुओं की खालें, उनकी सींग, साथ ही वनों का विनाश, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि आज फर्नीचर उद्योग को डेवलप करने के लिए आज वनों का विनाश एक भारत ही नहीं बल्कि कई देशों की एक विकट समस्या है। इस कारण पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। साथ ही पर्यावरण व्यवस्था में असंतुलन स्थापन करने हेतु भी पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। अब पर्यावरण संरक्षण के दौरान बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो केवल भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में पाई जाती है, जिसमें पहला है अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि, दूसरा मानव की स्वार्थ प्रवृत्ति, तीसरा संसाधनों का अविवेकपूर्ण प्रयोग, नेक्स्ट प्रदर्शन की भावना, आवश्यकता से अधिक संग्रह, जैविक संसाधनों के प्रति मानव का नकारात्मक प्रवृत्ति या नकारात्मक दृष्टिकोण। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो पर्यावरण संरक्षण के आड़े आती है। अब एज ए स्कूली शिक्षा के अंदर पर्यावरण शिक्षा को एक विषय के रूप में इंक्लूड किया गया है। विषय के रूप में ना सही तो कुछ विषयों के अंदर कुछ कंटेंट या चैप्टर के रूप में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आज विद्यालय की पर्यावरण संरक्षण में क्या भूमिका है, आज हम इसकी स्टडी करेंगे। इसमें कि विद्यालय की स्थिति संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण और स्वच्छ वातावरण से संपन्न हो। पर्यावरण संरक्षण कैसे होगा कि विद्यालय का वातावरण भी स्वच्छ हो और प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों, हरियाली और वनस्पति से सुसज्जित हो। नेक्स्ट, उनमें पर्यावरण की शिक्षा प्रदान की जाए, चाहे एक विषय के रूप में, चाहे को करिकुलर एक्टिविटी के रूप में। खेल, नाटक, कहानियों से पर्यावरण संरक्षण का महत्व बच्चों को बताया जाए। इकोलॉजी क्लब और इकोलॉजी पुस्तकालय अनिवार्य रूप से हर विद्यालय में स्थापित किए जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण के महत्व को बालक शुरू से ही, अर्थात जब वो विद्यालय में प्रवेश करता तब से ही समझता चले। नेक्स्ट, पर्यावरण पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा का साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, क्योंकि कभी कभी पर्यावरण संरक्षण के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए शिक्षक ही नहीं बल्कि पुस्तक भी एक उपयोगी साथी या उपकरण या शस्त्र है। अगर जिन ह्यूमन नेचर है कि जिन वस्तुओं को ज़्यादा दिखाया जाता है उसकी छवि उसके माइंड में विकसित हो जाती है। तो इस कारण अगर पर्यावरण शिक्षा को लेकर के ज़्यादा कंसेप्ट, ज़्यादा क्लियरिटी, इमेजेस और टेक्स्ट मटेरियल अगर लाइब्रेरी में यूज़ होगा और उसका ज़्यादा मात्रा में उपयोग होगा, तो बालक उस पर्यावरण संरक्षण को लेकर के ज़्यादा जागरूक बन सकेंगे।
टीवी, फिल्म, रेडियो के माध्यम से भी पर्यावरण का ज्ञान प्रदान किया जाए, उसके माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से ही बालकों को रुचिपूर्ण पर्यावरण के संरक्षण संबंधी महत्व की जानकारी दी जाए। वाद विवाद प्रतियोगिता, बाल सभा का आयोजन किया जाए। समय समय पर संतुलित भोजन, स्वच्छता और प्राकृतिक वातावरण के महत्व को और उसकी उपयोगिता को बालक को विषय के संदर्भ में बताई जाए। विद्यालय की साज सज्जा में पर्यावरण शिक्षा को सम्मिलित किया जाए। चार्ट, मॉडल, आदर्श वाक्य, स्लोगन वगैरह ब्लैक बोर्ड पर है या वो तश्तरी पे लिखवा करके पेंटर से वो लगाए जाए, ताकि बालक उन चीज़ों को पढ़े, उन चीज़ों पर अटेंशन दे, तो उसमें पर्यावरण संरक्षण का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। इसके साथ ही वातावरण में पर्यावरणीय सुगंधों, अर्थात पूरी विद्यालय का वातावरण ऐसा हो बिल्कुल नेचुरल, जिसमें पेड़ पौधे, चहकते हुए पक्षी और फूल खिले हुए, तो एक तरह से पर्यावरणीय सुगंध एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिसे शिक्षा के लिए भी लाभप्रद होगा। बालक पर्यावरण के महत्व को भी समझेंगे और पर्यावरण को संरक्षित रखने का कॉन्सेप्ट भी उनमें डेवलप होगा। अब है पर्यावरण संरक्षण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक क्या कर सकता है? इसमें पहला है कि विद्यालय में गतिविधियों का आयोजन। अब इसमें जैसे पेयजल से रिलेटेड देखभाल है, टंकियों की साफ़ सफाई है, सामूहिक साफ सफाई है, श्रमदान है, अनावश्यक पेड़ है जिनको हटाया जाए और यूज़फुल पेड़ों को विद्यालय के प्रांगण में लगवाया जाए। शारीरिक स्वच्छता से संबंधित, के बाल बने हुए हो, नेल कटे हुए हो, इस प्रकार से, और मध्याह्न भोजन में अल्पाहार की व्यवस्था हो। आजकल मिड डे मील का कॉन्सेप्ट चल ही रहा है, तो हर विद्यालयों में लंच ब्रेक में ये दिया जाता है ही है। और साथ ही सामुदायिक जितने जीवन से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम है, जिसमें हम कम्युनिटी के व्यक्तियों को अपने विद्यालय कार्यक्रम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं स्पीच देने के लिए। इसके साथ ही हम बालकों को कम्युनिटी से रिलेटेड प्लेसेस पे, चाहे वो चिड़ियाघर हो, पार्क हो या ग्राम पंचायत हो, इत्यादि का विजिट भी करा सकते हैं। कैंप फायर है सामुदायिक सभाओं के अंदर, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए या उनको एक तरह से दर्शक की भूमिका के रूप में भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बालकों को उस चीज़ के प्रति अवेयरनेस आएगी। फिर नेक्स्ट है कि छात्रावास अगर विद्यालय में उपलब्ध है, तो उसके कमरे हैं, उसका ग्राउंड है, उसकी किचन है, तो उसकी साफ़ सफाई, पेयजल की टंकियां हैं, टॉयलेट वगैरह है, तो इन सब की साफ़ सफाई की व्यवस्था से भी पर्यावरण संरक्षण का कॉन्सेप्ट एक शिक्षक डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट है पर्यावरण जागरूकता संबंधी कार्यक्रम कौन कौन से हैं, तो उसमें है कि कक्षा के अधिकारियों का चुनाव किया जाए। अब इसके लिए स्कूलों में हाउस बनते हैं या फिर छात्र सभा होती है या छात्र संसद होती है, जिसमें अधिकारियों या जो CR होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उनका चयन किया जाता है, ताकि वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यों पर निर्णय ले सके, बजट का निर्माण कर सके, उसकी स्वीकृति, उसके उपयोग की व्यवस्था कर सके, पर्यावरण की समस्याओं पर अपनी समझ विकसित कर सके, और जितनी भी कमेटीज़ बनी हुई है उनके आधार पर अल्प बचत योजना को प्रोत्साहन किया जाए, जिसका यूज़ फिर पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में किया जा सकते हैं। और सामाजिक उत्सवों का विद्यालय में आयोजन किया जाए, जिससे पर्यावरण दिवस है और अपने अभी बीमारियों से रिलेटेड है, या जल संरक्षण दिवस है, एड्स दिवस है, तो इस तरह से कुछ पर्यावरण जागरूक, विश्व मानवाधिकार दिवस है, कुछ इस तरह से दिवसों का आयोजन किया जाए, जिसमें सामाजिक लोगों को भी इनवाइट किया जाए, ताकि वह उस पर स्पीच दे करके बालकों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बातों को अवगत करा सके। नेक्स्ट, इसमें पर्यावरण जागरूकता संबंधी जनतंत्रात्मक प्रवृत्तियाँ। अब वे कौन सी गतिविधियाँ हैं जो हम क्लास में या विद्यालय में ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, ताकि बालकों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। जो आपका क्वेश्चन आया है उसमें इन एक्टिविटीज़ में से किन्हीं दो एक्टिविटीज़ को लिखना है, वो इस प्रकार है कि पर्यावरण शिक्षा पर वाद विवाद का आयोजन किया जा सके, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं के कारण और उन्हें कम करने के उपायों पर हम किसी एक बिंदु पर लेकर के निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं, साथ ही बालकों की हॉबीज़ के अनुसार शिक्षण कार्य कराएँ ताकि वह रुचि ले, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता है और ड्राइंग कॉम्पिटिशन है इस तरह से। फिर समाज सेवा संबंधी NSS, रेड क्रॉस,
बालचर के प्रशिक्षण में सहभागिता से रिलेटेड कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन जिसमें पर्यावरणीय संकट को दूर करने के लिए उपाय की विधियां हैं, इस तरह की गतिविधियां बालकों से कराई जाए लाइब्रेरी के अंदर बिठा करके कि उनको कुछ पॉइंट्स पढ़ने के लिए दिया जाए और उस पर विचार करके वो अपने स्वयं के लेख तैयार करें, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट रेडियो समाचार सुनने की व्यवस्थाएं, वार्ताएं इस प्रकार की आयोजित की जाए जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो। नाटकों का आयोजन किया जाए, स्पेशली नुक्कड़ नाटक, सामूहिक नृत्य इत्यादियों का आयोजन किया जाए जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो। कविता पाठ है और कवि सम्मेलन है, कैंपस है, हाइक्स है, शैक्षिक भ्रमण है जिसे हम ले जा कर के प्रकृति से बालकों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उसको जो नेचुरलिटी है, जिस प्राकृतिक सुंदरता है, उसे अवगत करा करके बालकों में सौंदर्य बोध विकसित कर सकते हैं, तभी वे पर्यावरण संरक्षण के महत्व को जान पाएंगे। साथ ही सार्वजनिक भाषण है, सार्वजनिक उत्सव है, उनमें भाग लेने के बालकों को अवसर प्रदान किए जाए। न्याय पंचायत का संचालन विद्यालय में किया जाए ताकि सही रूप से पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श और निर्णय करके समाधान करने का प्रयास किया जा सके। पोस्टर का प्रदर्शन है, चार्ट्स बनाना है, विषय के रूप में पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन या पर्यावरण शिक्षा को स्थान देना है, पर्यावरण शिक्षा के महत्व से संबंधित दिवसों का आयोजन करना है, नेचर क्लब की स्थापना है, प्राकृतिक संसाधनों के भ्रमण, चिड़ियाघर, जंतुआलय, अभ्यारण्य इत्यादियों पर भी विजिट करा करके हम पर्यावरण संरक्षण के कॉन्सेप्ट को बालकों में विकसित कर सकते हैं। और नेक्स्ट उसमें है कि कार्यक्रम के आयोजन में पर्यावरणीय और वन विभाग के अधिकारियों को भी आप बुला करके पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम को सजग बना सकते हैं। इसके साथ ही जो गैर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण के या झीलों तालाबों के सफाई अभियान में कार्य कर रहे हैं, उनके भी योगदानों का सहयोग लेकर के उनकी बातों को टीचिंग के दौरान कोट करके या उन व्यक्तियों को विद्यालय में आमंत्रित करके आप पर्यावरण संरक्षण का कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। और नेक्स्ट पर्यावरण विषय से संबंधित भित्ति पत्रिका है, पर्यावरण कॉर्नर है, गैलरी है, सृजनात्मक लेखन है, भित्ति चित्रों का निर्माण करके आप पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य को आप आसानी से एक विद्यालय में संपन्न करा सकते हैं। तो उपरोक्त इतनी सारी गतिविधियों में से कोई से भी आपको दो गतिविधियों का थोड़ा सा डिटेल में 50 शब्दों के अकॉर्डिंग लिखना है। और आज का होमवर्क इस प्रकार है, पर्यावरण से क्या आशय है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय तथा शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ये उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। सो थैंक यू।